हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है चाइनीज आर्मी फेल, चाइनीज मिलिट्री फनी फेल्स पार्ट टू। तो हमने एक पहले पार्ट किया था, काफी मजेदार था। अब देखते हैं इस पार्ट में ये लोग क्या दिखा रहे हैं। लाइटर सेंस में लेंगे, थोड़ा हंसी मजाक के सेंस में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्रैश होगा, इनके हेलीकॉप्टर्स कितने सारे देखे क्रैश होते हो। डूब गया तो सुनना पड़ेगा। ऐसे से हो रहा था, ये गया, ओए होए, ये तो उल्टा ही हो गया, ओ पूरा टूट गया। वापस वही आ रही है, क्या हो रहा है? माय गॉड, टू आउट ऑफ कंट्रोल। कहां कहां जा रही है ये? ओ ब्लास्ट हो गई, उन्होंने डेटोनेट कर दी होगी। बाप रे, कितना डेंजरस था वो। ये भी हमने देखी हुई है, सारी चोरी की हुई है उस फार्म वाली से। ये दूसरी थी, इसमें तो वही उड़ गया था पूरे हाथ से। यही था, यही थी, यही थी, एग्जैक्ट यही थी। इसको देख के तो हर बार ही जान निकलती है। देखो पीछे से हाथ से निकल जाता है, ये गया पीछे से भी गया, आगे से भी गया, हाथ आ गया, हाथ से बैठा था आदमी, उसने उल्टी पकड़ी हुई है और उसने हाथ से छोड़ दी। नहीं, वो उल्टी थी, वो उस साइड गई होगी और इसलिए वो पुश से हाथ से छूट गई होगी। ये गन ही उल्टी पकड़ी हुई थी, ये तोप गन जो भी होती है, बंदूक बसुका नहीं, पकड़ी ठीक थी, नहीं उनके उसके हाथ से छूट गई। मैं तो हैरान हूँ कि कमेंट्स में पढ़ के कि उल्टी पकड़ी थी, वो तो उल्टी पकड़ी हूँ। ये कमाल था, दूसरी को देखी जा रही है। कब ने देखी हुई थी ये? नहीं देखी। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बड़ी मजेदार है। इसमें मुश्किल से मेरे ख्याल से एक या दो जो थी ऐसी जो हमने नहीं देखी थी, बाकी हमने पहली देखी थी, अभी रिसेंटली देखी है। तो ऐसे लगता है उन्होंने उसकी भी क्लिपिंग्स इसमें डाल के फिर ये वीडियो बनाई है। तो ऊपर मजेदार थी, उसको फिर से देखने में भी काफी मजा आ रहा था। खासकर वो जो तोप टाइप थी जिसको उन्होंने फायर किया, वो पीछे से फायर हुई और वो हाथ से भी छूट गई। तो कमेंट्स में तो आपने यही लिखा था कि ये उल्टी पकड़ी हुई है, तो मैं तो मान गई भैया उल्टी पकड़ी होगी, तभी उल्टे से गई है वो। पर बताना कि कोई ऐसे भी कर सकता है कि उल्टी पकड़ ले गोली गन को? मतलब ट्रेनिंग ही नहीं दी उन्हें कि मुंह कहाँ है उसका और पीछे वाला पार्ट कहाँ है, कैसे पकड़ना है। पर जो भी था वो सबसे भयानक था। और हेलीकॉप्टर वाली भी नहीं थी, वो हमने नहीं देखी थी, हमने दूसरे हेलीकॉप्टर क्रैशेस देखे थे। पर इसका तो हेलीकॉप्टर में कैसे वो पानी से ऊपर जा रहा था,
फिर नीचे आ गया, फिर लगा कि शायद ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ा डूबा तो मुझे लगा अब ये डूब रहा है, फिर वो थोड़ा ऊपर लिफ्ट हो गया, मैंने कहा वो बच गया बच गया बच गया। उसके बाद तो जैसे वो धीरे धीरे अंदर डूबता गया वो फिर भी ठीक था, पर जब वो पूरा ऐसे उल्टा ही होके अंदर घुस गया और वो ऐसे लग रहा था अभी ऊंचा वहां पे नहीं था, जो बेड होता है वो काफी पानी के साथ ही था क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब वो नीचे जमीन को टच करके वो टूट गया, तो काफी डेंजरस था वो। पता नहीं जिस जो चला रहा था वो बचा कि नहीं बचा, आई जस्ट होप कि ऐसी चीजों से किसी की जान ना जाए, पर काफी कई तो भयानक थे। और मेरा फेवरेट तो वो मार्चिंग वाला है, आप वो मुझे कितनी बार भी दिखाओ। इन्होंने जो इसमें क्लिपिंग दी है ना वो इतनी मजेदार नहीं लग रही थी कि उन्होंने छोटी करके डाली हुई थी, जो हमने किया भी रिसेंटली किया था, आप सिर्फ डालना मेरे ख्याल से फनी चाइनीज मार्चिंग या चाइनीज मार्चिंग खस बस डाल के देखना, उसमें वो काफी डिटेल में दिखाते हैं और जैसे वो करता है ना इतना मजेदार था देखने में, इतनी हंसी आ रही थी, बेचारा फुल ट्राई कर रहा था, बार बार बताया जा रहा था, उसको इतना मारा था मेरे ख्याल से तो उसके हाथ जो होंगे वो लाल हो गए होंगे और पीछे वाले भी हंस रहे थे, इंस्ट्रक्टर के भी हाथ लाल हुएंगे और उसके भी दोनों के हाथ लाल। इंस्ट्रक्टर को लगा कहां फंस गया मैं, और वो बेचारा जो मार्च कर गया कहा कहां मैं फंस गया, इन सबके सामने मेरे को मेरी तो वो और ये मजाक उड़ रहा है और ऊपर से मुझसे वो नहीं रहा। पर उसका पोस्चर सच्ची में बहुत अजीब है, उसकी टांगे भी देखी थी बेंड थी, उसको मतलब सीधा भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, टांगों की जो आगे लेके जाते थे उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो पता नहीं। पर एक बात अच्छी थी कि भाई इंस्ट्रक्टर गिव अप नहीं कर रहा था, लगा करते जा तू, तो वो भी काफी मजेदार था, तो मुझे तो काफी मजा आता है ऐसे देखने में। राइट, काफी अच्छा था। और इसमें जो है खतरनाक चीजें नजर आती हैं कि आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, पहली बात तो यह है कि हेलीकॉप्टर बहुत ही फ्रेजाइल है, जैसे आपने यहाँ देखा, मतलब बहुत ही वीक किस्म की एंटिटी है, ऊपर पंखा लगा रखा है, पंखा बनाएगा एयर कुशन, फिर वो लिफ्ट करेगा, यहाँ पानी है नीचे। उसके बदले जब ड्रोन्स आ जाएंगे तो कुछ समय बाद हम लोग सोचा करेंगे माय गॉड हम कितने प्रिमिटिव थे कि हम हेलीकॉप्टर में जाते थे, अब ड्रोन आ गए हैं जो इतने बैलेंस हैं, इतने पावरफुल हैं। अब हेलीकॉप्टर में भी बहुत भयानक लग रहा था, जिस तरीके से पता नहीं लोग मरे नहीं मरे मगर बहुत डेंजरस लग रहा था, टुकड़े हो रहे थे उसके ऐसे पार्ट्स निकल रहे दिख रहे थे, पहले ऊपर जा रहा है फिर नहीं कर पाया अपना ऑल्टीट्यूड, वापस नीचे गिरता है और मतलब जो उसके जो ब्लेड्स हैं वो टच करते हैं वाटर सरफेस को, कैसे ब्लास्ट होते हैं, वो उल्टा हो जाता है, लोग नीचे से लगता है लोग शायद जल्दी से निकल के कोई एग्जिट प्लान होता होगा निकलने का, बट बहुत ही वो स्केरी और डेंजरस था। और जो भाई साहब फिल्म कर रहे हैं वो फिल्म ही करे जा रहे हैं। मैं तो बोल रहा था गिर गया भाई को कौन जाएगा उसको बचाने के लिए, मेरे को ये समझ नहीं आया कि आप फिल्म तो कर रहे हो मगर उतनी तेजी में कोई ना कोई तो जल्दी से आके अगर बचाना से, मगर वो नहीं आ रहा फिल्म में, वैसे ही वो उल्टा पड़ा हुआ है। वो थोड़ा अमेजिंग था कि इसमें आप क्यों नहीं हेल्प करने आए। और जो मिसल वाला था वो और भी डेंजरस था कि अगर मिसल कोई रोग मिसल हो जो कंट्रोल में ना आए, वो कैसे यूं टेढ़ा मेढ़ा करके उड़ रही थी, और वो मिसल को मेरे ख्याल से फाइनली उन्होंने डेटोनेट किया था कि इससे पहले वो नीचे गिरे और ब्लास्ट करे सब चीजों को, लॉन्चर्स को उड़ा दे, वहीं पर ही आकाश में ब्लास्ट कर दिया। वो बहुत मुझे तो डर लग रहा था कि वापस उसी साइड में ही ना आ जाए जहां से कर रहे हैं, उन जो कर रहे हैं रिकॉर्डिंग उन्हीं के ऊपर आ जाएगी, मुझे तो ऐसे। राइट, और वो जो बजूका वाले भाई साहब जिन्होंने कंधे में रखा हुआ था, इसमें इन्होंने क्लियरली दिखाया था कि हुआ ये था कि जब वो निकल रही थी मिसल या जब फायर की थी मिसल तो उनके हाथ से छूट गई, और जो हाथ से छूटी है पूरी के पूरा बजूका उड़ा और वहां से फायर होके ये सब पंगा पड़ा। तो ये तो उसमें तो बंदे का एरर है कि आपके हाथ से बजूका निकल गई, और उसमें जहां टैंक उलट गया ये तो पहली बार देखा है कि टैंक इतना भारी भरकम होता है, टैंक समझ नहीं आया स्पीड ज्यादा थी क्या, नहीं कुछ भी हो टैंक की मेन रीजन यही है कि आप नॉर्मल क्या बोलते हैं कोई कार नहीं चलाते वॉरफेयर में, कोई ट्रक नॉर्मल नहीं चलाते मगर टैंक चलाते, क्योंकि टैंक में यही है कि उल्टे का नहीं, बहुत ही स्टडी वहीकल है, जितनी तेज जाए टेढ़ा जैसे भी करें उल्टे का नहीं वैसा, मगर यहाँ पे तो उन्होंने दिखा दिया कि टैंक भी उलट सकते हैं, तो चाइनीज टैंक मतलब सकते। जो भी है तो उसमें यूजर एरर भी चला रहा है, उसको चलाना नहीं आता, इक्विपमेंट की मैल फंक्शन है, मिसाइल का तो मिसाइल का मैन फंक्शन था, उसमें तो ह्यूमन बींग कुछ कर नहीं सकता था, जो बजूके वाले का दोनों की गलती है, और जो हेलीकॉप्टर था उसमें भी दोनों की गलती हो सकती है, तो काफी, मगर ये मुझे पता नहीं कहाँ से लीक हुई है ये कि कोई किसी ने हैक करके निकाला है, क्योंकि ऐसे पब्लिश तो कोई करने नहीं वाला। नहीं हो सकता है कि फेसबुक नहीं अलाउड वहां पे, कोई आप सोशल मीडिया है ही नहीं, तो इस टाइप की वीडियोस आ कैसे रही है, सब ये भी क्वेश्चंस थे कमेंट सेक्शन में। वही तो बोल रहा हूं लीक कहां से हो रहा है,
गवर्नमेंट तो कभी लीक नहीं करेगी दिखाने के लिए इसको, तो किसी और ने लीक किया है और ऑब्वियसली ऑब्जर्वर ने लीक किया है जो उनको बचाने में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उसकी तो रील चलती रही, उसने ये नहीं दिखाया कौन बचाना है। अगर वो एक्चुअल बंदे होते जो रिकॉर्ड कर रहे होते और उन्हीं की चल रही होती तो वो तो भाग के बचाते, मगर इसमें वो भाई साहब फिल्म ही करे जा रहे हैं, मतलब वो कोई और एंटिटी है और हो कुछ और रहा है, तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है देखने। मगर इससे मुझे जब मैं देखता हूँ हंसी की बात अलग है, ठीक है आपको मज़ा आ रहा है हंसी आ रही है, मगर डेंजरसनेस नज़र आ रही है कि ये चीज़ काफ़ी डेंजरस है, और वो बात दूर की है कि लोग जो है शहीद होते हैं वॉर में, ये तो पहले ही लग रहा है कुछ ना कुछ मतलब खतरनाक वाली बात हो रही है, जैसे मिसाइल टेढ़े मेढ़े उड़ रहे हैं ये, और वो तो लग रहा है कि ट्रेनिंग में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा होता भी है कई बार। हमने कुछ एक वीडियो किया तो उसमें यही कह रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स एक ज़माने में, अभी तो बहुत मॉडर्नाइज हो रही है, मगर एक ज़माना ऐसा था कि उन्होंने अपग्रेड नहीं किए थे पुराने प्लेन्स, और जब भी आपको पता चलता था कि ये क्रैश हो गया वो क्रैश हो गया तो लोग कह रहे थे कि अरे यार लोगों की पायलट्स की जान ले रहे हो, आपका मटेरियल तो ओल्ड है ही, मतलब वो आउट ऑफ लाइफ हो गया, उसको हटा देना चाहिए नया लेके आना चाहिए। तो काफ़ी इससे कुछ जजमेंट मिलती है कि मतलब खतरनाक चीज़ है और दिलेर लोगों को भी जाना चाहिए आर्मी में। यस और इससे मुझे वो याद आ रहा है जो हमने पिछले वीडियो में किया था, जिसमें वो ग्रेनेड था वो फेंका था, और वो फेंकने में वो इतने माहिर थे कि वहाँ फेंकने की जगह अपने पास ही वहीं पे हाथ से छोड़ दिया, और फिर जो जैसे दोनों भागे और उसके अंदर वो क्या था उसके अंदर कूदे, ट्रेंच सा बनाया हुआ था उसके अंदर कूदे, और उसके बाद उनका जो साथ में जो भी सिखा रहा होगा भरत मिला नहीं होता, बड़ा शाबाशी, मैंने कहा पहला बंदा देखा है मरते मरते बचा है, उसकी वजह से उसी को शाबाशी दे रहा है, मेरे ख्याल से कैमरा दिखा होगा कि हो रही है रिकॉर्डिंग, तो इस वजह से अंदर से बोल रहा होगा अब मैं तेरे साथ कभी नहीं करूँगा तो वो जरूर देखना, वो और भी मजेदार था। तो फ्रेंड्स मजा आया देखने में, और सजेस्ट करना अगर आपके पास भी इस टाइप के वीडियोस हैं कोई आपने देखे हुए हैं, क्योंकि मुझे बड़े मजेदार लगते हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।